बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सिंग हबीब स्कूल। इट्स आवर साइंस क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू एंड अप चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 57 ऑफ योर बुक्स एंड क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर नोट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज क्ले। क्ले क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में सॉइल के टाइप्स देखे थे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 2 टाइप्स स्टडी कर ली थी, सैंड एंड स्लेट। ये हमने 2 टाइप्स देखी थी। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 2 टाइप्स, क्ले एंड ब्यूटीफुल रॉक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्ले क्या है? क्ले जो होती है इसमें ये बहुत स्मूथ सरफेस होती है इसकी। इसमें सॉइल क्या होती है? बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होता है। इसमें स्पेसिंग जो होती है पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिंग, अगर स्पोज पार्टिकल स्पेसिंग, इनमें स्पेसिंग बहुत कम होती है, पार्टिकल्स में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसको क्ले को मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड मीन्स इसे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा क्ले के यूटेंसिल्स भी बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, जितने भी कड़े वगैरह बनते हैं, डिफरेंट आई डोंट नो व्हाट शुड वी कॉल देम, डोम्स वगैरह डिफरेंट बनती हैं, वो किसके बनते हैं? क्ले के। क्ले से डिफरेंट शेप्स बनती हैं। इसके अलावा ब्रिक्स वगैरह के लिए, जो ब्रिक्स बनती हैं वो पहले क्ले से कच्ची ईंटें बनती हैं, वो क्या होती है कच्चे, फिर उन्हें बर्न करते हैं, उनसे फिर ओरिजिनल जो होती ब्रिक्स बनती हैं। ओके, क्ले को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मैंने भी बताया कि क्ले के पार्टिकल्स में स्पेसिंग बहुत कम होती है, क्लोजली पैक्ड होती हैं, स्मूथ टेक्स्चर होता है, फाइन होती, बिल्कुल फाइन स्मूथनेस होती है। इसीलिए इनमें फंगस और बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं, वो फंगस और बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो ही नहीं कर सकते, उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अगर पेनिट्रेट कर भी जाएंगे तो उसमें एयर नहीं होगी, और एयर उनकी ब्रीथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि क्ले में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इसको बाकी डिफरेंट पर्पजेज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज वट आर ब्यूटिफुल रॉक्स। ब्यूटिफुल रॉक्स जो है इसमें मार्बल्स वगैरह आ जाते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्शन पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं। और ये रॉक्स भी क्या मिलियन ऑफ ईयर्स पहले से हमें मिल चुकी हैं, हमें डिफरेंट मतलब एंशियंट टाइम से ये हमें ब्यूटिफुल रॉक्स का पता है। इसे हम से जो पहले लोग थे, एंशियंट लोग थे, वो भी इन ब्यूटिफुल रॉक्स को कंस्ट्रक्शन पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या होती हैं? ब्यूटी को इन्हांस करती हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ में ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए हम ये रॉक्स को यूज़ करते हैं। ये हमारी कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये थी टाइप्स ऑफ सॉइल जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस लेक्चर एंड इन द होल चैप्टर यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।